राजस्थान शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा ने ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांग, उप प्राचार्य की सीधी भर्ती हो, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले करो। इसके अलावा स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद भी जल्द भरे जाए। ज्ञापन में कहा कि शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, फर्स्ट ग्रेड की 4 सत्रों की डीपीसी बकाया चल रही है। इन सभी संवर्गों की पदोन्नति जल्द करवाई जाए। साथ ही पिछली सरकार ने राज्य सरकार के 3,828 माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत किया था। लगभग 11,500 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किए हैं, लेकिन अभी तक पद नहीं दिए हैं। तो नए फर्स्ट ग्रेड के पदों की भी मांग। इसके अलावा विशेष शिक्षा में शेष रहे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की मांग की, और थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के खाली पदों पर नई भर्तियों की मांग भी की, जैसे रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड। तकनीकी शिक्षा निदेशालय राजस्थान प्रवेश हेतु प्रेस विज्ञप्ति। मेधावी विद्यार्थियों का इंतजार खत्म, 2 साल से बकाए थे। शिक्षा निदेशालय ने जिला स्तर से मांगी संख्या सत्यापन की जानकारी। राज्य भर में 55,727 मेधावी विद्यार्थियों को मिलेंगे टैबलेट वितरण की तैयारी। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, यूनिफॉर्म एक जैसी होने वाली। राजस्थान की बजनलाल सरकार प्रदेश के सभी सरकारी निजी स्कूलों में समान ड्रेस कोड को लागू करने को लेकर गंभीर है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए कहा कि इसके लिए जल्द ही कानूनी राय ली जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको आने वाली आरपीएससी की नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों की जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 30 मई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का इतिहास। 30 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। नई रीट 2024 विज्ञप्ति और परीक्षा को लेकर एक बार फिर से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। रीट पात्रता परीक्षा पर एजुकेशन पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा जल्द सरकार सोचेगी रीट के बारे में, जल्द ही कुछ अच्छा करेंगे। यानी मुख्यमंत्री परीक्षा की घोषणा कर सकते हैं रीट 2024 की, और पुराने पैटर्न पर ही रीट होने की संभावना। पहले पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद डीपीसी से थर्ड ग्रेड के काफ़ी पद खाली हो जाएंगे, फिर शिक्षक भर्ती हो सकती है। नई रीट 2024, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं शिक्षा मंत्री। इससे पहले कल शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया था। मंत्री ने स्वीकारा प्रदेश में टीचर्स की है कमी। शिक्षा मंत्री ने दिया बड़ा बयान, मुख्यमंत्री के साथ मेरी बात हुई और मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नई भर्तियां निकाले, यानी नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट, बाकी सारी भर्तियों पर कोई रुकावट नहीं है। आरपीएससी आचार संहिता के बाद 5-7 दिन बाद आचार संहिता हट जाएगी, आरपीएससी नई आरएएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर देगा, लेकिन रीट में थोड़ा समय लग सकता है। मुख्यमंत्री ऑफिशियली इसकी घोषणा करेंगे। रीट पात्रता परीक्षा, रीट शिक्षक भर्ती में लेवल 2 शिक्षक भर्ती में मूल पदों पर परिणाम जारी करने की मांग को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड में पहुंचे अभ्यर्थी। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, 10वीं का रिजल्ट, 6 विषयों के रिजल्ट में हुआ सुधार, 4 में आई गिरावट, हिंदी में 1% की बढ़ोतरी। विधि रचनाकार परीक्षा 2024 की अभ्यर्थी संशोधन कर सकेंगे। आरपीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के रीटोटलिंग के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। गार्गी पुरस्कार 4 सप्ताह में सिर्फ 4.25% आवेदन आए। लाइब्रेरियन एंड पीटीए भर्ती 2023 इकोनॉमिक्स के पेपर में 5,106 में से 68.89% ने नहीं दी परीक्षा। आरबीएससी 10वीं बोर्ड का परिणाम, प्रदेश में पहले 10 स्थानों में शामिल नहीं हो सका अजमेर। नए जिले बनने से सबसे कम 19,000 परीक्षार्थी बैठे थे। अजमेर का रिजल्ट 92%, पिछले साल से 4.44% बड़ा, कोई सप्लीमेंट्री नहीं। बीकानेर
युवा शिक्षा अवसर न्यूज, दसवीं बोर्ड परिणाम। आईटीआई में प्रवेश 10 जुलाई तक, दसवीं और आठवीं की पास अभ्यर्थी पात्र। पांचवी व आठवीं बोर्ड का परिणाम शिक्षा संकुल में किया जाएगा जारी। अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बोर्ड का निर्णय, एनटीटी के खाली पदों को भरने के लिए 10 गुना अभ्यर्थी सूची, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जोधपुर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज। कोटा, युवा शिक्षा अवसर न्यूज। नीट यूजी एक सप्ताह में आंसर की जारी होने की उम्मीद। 23 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने दी थी परीक्षा। पांचवी आठवीं का परिणाम आज। कोटा विश्वविद्यालय और द स्टूडेंट्स कैफे मुंबई में रोजगार के लिए 5 साल का एमओयू। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में 10 जुलाई को होगा दीक्षांत समारोह। 39,000 डिग्रियां दी जाएगी। जयपुर, युवा शिक्षा अवसर न्यूज। इग्नू ने शुरू किए नए कोर्सेस, आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने शुरू किया फिनटेक डिग्री कोर्स। जोधपुर, इकोनॉमिक्स विषय की परीक्षा संपन्न। सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेक्षक परीक्षा 2023 आरपीएससी। आज होंगे वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं सहायक निदेशक पदों के इंटरव्यू आरपीएससी। आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक। भर्ती प्रक्रिया जल्द करने के साथ ही नई जमीन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बड़ी घोषणा, अमृत पर्यावरण महोत्सव, एक साथ लगेंगे करोड़ों पौधे। 8 अगस्त को प्रदेशवासी बनाएंगे अनूठा रिकॉर्ड। राजस्थान आवासन मंडल 34 वर्ष बाद भर्ती, 6 महीने से नियुक्ति का इंतजार। नई शिक्षा नीति के तहत प्रवेश नीति में आयु सीमा में उलझेंगे 62,000 सरकारी स्कूल। प्रदेश के स्कूलों में साल नहीं लगेगी पहली कक्षा। पांचवी आठवीं बोर्ड के परिणाम आज होंगे जारी। राजस्थान पत्रिका न्यूज, बीकानेर, शिक्षा विभाग। अर्थशास्त्र के पेपर में बैठे 32% अभ्यर्थी, पत्रिका न्यूज आरपीएससी। दसवीं का रिजल्ट एनालिसिस, 10 साल में परिणाम 14.93% बढ़ा, सप्लीमेंट्री घटी। भास्कर ब्रेकिंग, फार्मासिस्ट भर्ती घोटाले के जांच रिपोर्ट का खुलासा। 5 राज्यों के 80 आवेदकों की डिग्री फर्जी, काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी हुआ। 3067 पदों की भर्ती, री वेरिफिकेशन भी हो सकता है। अन्य राज्यों के विश्वविद्यालय और संदिग्ध संस्थानों की डिग्री, सीफ को रिपोर्ट सौंपने की तैयारी, फिर होगा निर्णय। ग्राम विकास अधिकारी पद पर खेल कोटे के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे राजस्थान हाई कोर्ट। ग्राम विकास अधिकारी 2021 भर्ती मामला। शिक्षा विभाग का रिपोर्ट कार्ड अब तक जारी नहीं हुआ। जयपुर,